हेलो गाइस, होप यू ऑल आर राइडिंग वेल। सो बहुत टाइम से मैं इंटरसेप्टर एंड जीटी के लिए कुछ एक नया एग्जॉस्ट ढूंढ रहा था। सो देर आर अ लॉट ऑफ एग्जॉस्ट, आप सब जानते हैं, मार्केट में अब आ चुके हैं। देर आर मेनी प्लेयर्स, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, बहुत तरह के थे। सो बहुत बार मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि अब हम कौन सा एग्जॉस्ट प्रेफर करें। कुछ एग्जॉस्ट जिसका मैं नाम रिकमेंड करता था वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो जाता था, कुछ एग्जॉस्ट जो मैं रिकमेंड करता था शायद उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था। सो आई हैड टू फाइंड समथिंग जो कि प्राइस इफेक्टिव हो एंड क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो। सो फाइनली आई लैंडेड अप ऑन दिस ब्रांड, आप सबको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी आइए आपको दिखाता हूं। अरे आइए तो सही। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आइडलर एक्सपेरिमेंट्स। सो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इंटरसेप्टर पे बना चुका हूँ। सो अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखा है सो एक बार मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको इंटरसेप्टर के ऊपर एन नंबर ऑफ वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड स्पेशली अगर हम बात करें एग्जॉस्ट की, सो एग्जॉस्ट के ऊपर आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़, वेदर इट वॉज स्वैगमैन एग्जॉस्ट, AEW एग्जॉस्ट, रेड रूस्टर एग्जॉस्ट। सो आई हैव कवर्ड ऑल द एग्जॉस्ट जितना पॉसिबल हो सकता था। सो अब हम आ गए हैं एक और एग्जॉस्ट के साथ, विच इज़ बैरल एटम एग्जॉस्ट। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्सेसरीज मार्केट में जैसे जैसे टाइम क्रॉस होता है बहुत ज़्यादा R&D होता है। सो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज गेट्स बेटर एंड बेटर विद टाइम, एंड उसमें प्राइसिंग भी एक डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करता है। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज इस छोटे से एग्जॉस्ट का, एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा एग्जॉस्ट है। मैंने यहाँ पर कैप नहीं लगाया बिकॉज मैं चाहता था आप सबको ये फिटमेंट दिख सके, क्योंकि हम यूजुअली अगर इसको कवर कर देते हैं या कुछ ब्रांड्स का अगर हम कवर कर देते हैं तो आपको शायद पता नहीं चलता कि किस तरह का फिटमेंट वो दे रहे हैं। सो आई लेफ्ट इट ओपन, बट इस पर आपका जो स्टॉक कवर है एग्जॉस्ट का वो लग जाता है। सो आज हम इस एग्जॉस्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपके पास इंटरसेप्टर है, आपके पास GT है, या आप एक एग्जॉस्ट मॉडिफाई करने का सोच रहे हैं, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए दोस्तों, मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ कुछ जो मेरे ऑब्जर्वेशन हैं वो आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो पैकेजिंग है बहुत सिंपल सा पैकेजिंग था, इट वॉज अ कॉर्गोरेटेड बॉक्स। द MRP फॉर दिस इज अराउंड 16,000। ये प्योर स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील का होने के कारण आपको कंपनी इसमें लाइफ टाइम वारंटी देती है। सो अगर आपको एक लाइफ टाइम वारंटी मिलता है एक प्रोडक्ट पे, आई थिंक यू कैन रिलाई ऑन दिस। इनके आफ्टर सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मैं इसको अराउंड एक महीने यूज करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कि आज इसको लगाया एंड इसका एक वीडियो बना दिया। सो दोस्तों, पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप पहले इसके फिटमेंट्स देखिए। ये जो फिटमेंट है यहाँ पर देखिए, इन्होंने वो ट्रेडिशनल फिटमेंट नहीं दिया हुआ है जो कि एक सिंपल आप स्क्रू टाइट करें, बट यहाँ पर जो इनका ये जॉइंट फिटमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सो आप जब इसको फिट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड रहता है, ये खुलने के या रस्ट खा के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है इसके। तो प्लस पॉइंट इज आपका ये जो जॉइंट है ये कवर हो जाता है आपका स्टॉक कैप से, जो आपके स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ जो कैप निकलता है वो यहाँ पे कवर हो जाता है, एंड दिस बॉडी कंप्लीटली सिंक्स विथ इट। तो आपको यूजुअली ऐसे पता ही नहीं चलता है कि आप एक मॉडिफाइड एग्जॉस्ट लगा रखें। एक क्लैंप इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है, सो आपको इसके लिए कोई भी एडिशनल क्लैंप ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। द फिटिंग इज कम्प्लीटली एक्यूरेट, प्रॉपर अपने प्लेस पर ही है। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे जगह पर देर इज़ चेकिंग, आप सब ऐसे बोलेंगे कि अगर हम एग्जॉस्ट चेक करते हैं तो चेकिंग होता है, बहुत बार पुलिस पकड़ती है, पीपल डू गेट अनॉयड, बट यू वॉन्ट दैट लुक्स एंड आपको वो अनोइंग साउंड भी नहीं चाहिए। सो दीज एग्जॉस्ट कम विथ प्रॉपर डिबी किलर्स। सो इसका जो डिबी किलर अगर आप लगा देते हैं तो ये इट्स नेक्स्ट टू द स्टॉक साउंड, आपका ऑलमोस्ट जैसा आपका स्टॉक एग्जॉस्ट में जो साउंड आता है वैसे ही आता है। देर आर टू थिंग्स विच आई लव अबाउट दिस प्रोडक्ट। वन इज द आफ्टर सेल सर्विस। आपने प्रोडक्ट खरीदा सो ऐसा नहीं कि आपका
वहीं पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अगर आपको कुछ भी इसमें इश्यूज फेस होते हैं, दे आर रेडी टू हियर, दे आर रेडी टू एड्रेस यू, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। दैट्स द मेजर प्लस पॉइंट विच अ कस्टमर लुक्स। सेकेंडली द साउंड, आप कह सकते हैं कि अगर आप डीबी किलर हटा भी दें, सो दीज हैव अ वेरी सोबर साउंड, वेरी सूदिंग साउंड। मतलब वो एक अनोइंग, वो फटा हुआ साउंड, वो एक ट्रेबल, हाई ट्रेबल वाला साउंड नहीं है। सो अगर आप खोज रहे हैं कि मेरा बाइक एक कम्प्लीटली एक लोगों को एकदम एक एरिया को हिला कर जाए, लोगों को बता कर जाए, लोगों को नींद से उठा कर जाए, सो दीज एग्जॉस्ट आर नॉट फॉर यू। बट यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी क्लासी विथ योर बाइक, विथ सिंक्स विद द लुक्स ऑल्सो, देन यू कूड ऑप्ट फॉर दीज एग्जॉस्ट। इसका साउंड नोट चलिए अब हम आगे इस वीडियो में सुनते हैं। So guys, this is the sound in idle condition, almost like a stock, almost like a stock, but with a bit of bass added. See, आप कभी भी माइक में complete एक ऑडियो का फील नहीं ले सकते, but still I'll try to explain it in words. So जो stock exhaust है, अगर हम उसमें थोड़ा bass add कर दें, so this is the sound in idle. सो यहाँ पर एक ग्रंट है, एक बैसी ग्रंट है विच इज़ वेरी सोबर। एंड ये जो साउंड हम सुन रहे हैं, ये हम एक आइडल कंडीशन में गाड़ी को खड़ा करके रेव कर रहे हैं। सो फिर भी आप जो साउंड सुन रहे हैं, थोड़ा एक ग्रंटी साउंड है, थोड़ा एक बैसी साउंड है, बट जब आप गियर डालते हैं सो साउंड नोट चेंज हो जाता है। सो वेन यू आर राइडिंग ऑन अ जनरल ये, सो देर इज़ अ साउंड, देर इज़ अ कैरेक्टर, इट इज़ वेरी नोटिसेबल, बट वो एक अनोइंग वाला नहीं है। So you'll love this exhaust अगर आप एक simple sober performance exhaust ढूंढ रहे हैं। So of course you can you could opt for this। दोस्तों नीचे comment में बताइए आपको ये exhaust कैसा लगा, and अगर आपको ये video पसंद आया है so like ज़रूर करें, subscribe करना ना भूलें। मिलते हैं अगले video में।